अल्लाम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब कैसे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक यानी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये चार तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला ये कि शो डेट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of the molecules of an ideal gas is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, या इस तरह भी आ सकता है कि show that mean ट्रांसलेशनल kinetic energy जो है वो directly proportional है absolute temperature के। ठीक है, या इस तरह भी कि show that mean ट्रांसलेशनल kinetic energy जो है वो बराबर है 3/2 kT के। 3/2 kT के जो वैल्यू है ये आपको डेरिवेशन के बाद यानी हम लोग जब प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। show that अब ये शो डेट, फिर दूसरा जो मेथड है वो है कि शो डेट ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर मीन काइनेटिक एनर्जी है यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी वजह से 1/2 m और जो v है वेलोसिटी है ये भी फिर मीन वेलोसिटी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मीन है यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी फिर मीन वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल केस। आइडियल केस के इक्वेशन के मुताबिक अब दोस्तों ये जो प्रेशर का जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है ये हमने पिछले क्लास में ड्राइव किया है। ठीक है, और उस क्लास का जो लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ, तो वो लाजमी देख ले और वो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में ये आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 ρ μ² वेलोसिटी। इसको रो कहते हैं। ठीक है, रो का मतलब डेंसिटी। ठीक है, इसको मतलब ये रो कहते हैं। ठीक है, और रो का मतलब क्या है, डेंसिटी, यानी डेंसिटी का जो सिंबल है वो हमने रो लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना ये मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जो बार नज़र आ रहा है आपको ये मीन हो जाएगा। ठीक है, और ये 2² हो जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगी, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। ठीक है, अब रो इज़ इक्वल टू, जो रो है यानी डेंसिटी है वो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, लेकिन ये जो डेंसिटी है ये पता नहीं कितने मॉलिक्यूल का है, ये यहाँ पर ये नोट नहीं है कि ये कितने मॉलिक्यूल का है, तो इसलिए मैंने इसके साथ इन लिखा है। इन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है ना उनकी डेंसिटी है। ठीक है, अब प्रेशर इज़ इक्वल टू 1/3 और mn/v आ जाएगा और मीन स्क्वेयर वेलोसिटी दीजिएगा। फिर ये जो v है ना, v यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब वहाँ पर आएगा इक्वेशन के उस तरफ तो फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पी वी आ जाएगा और इज इक्वल टू 1/3 mn और मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। फिर बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू nRT वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, फिर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी है, जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 mn मीन स्क्वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यहाँ पर मास और वेलोसिटी मीन स्क्वेयर वेलोसिटी इसको अलग करते हैं। ठीक है, मास और मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को अलग किया तो क्या बचा, 1/3 और n बचा, तो 3 जो है यहाँ पर डिवाइड में हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 nRT आ जाएगा। अब यहाँ पर n जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इक्वेशन उस साइड जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मास m मीन्स के वेलोसिटी है ना, इससे हमें बनाना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें इससे बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हम लोगों ने 1/2 यहाँ पर भी लिया और इक्वेशन के मुताबिक यानी जब यहाँ पर ये इक्वेशन है यानी इज इक्वल टू है तो इसकी वजह से बैलेंस करने के लिए 1/2 यहाँ भी ले लिया। तो अगर इसका मतलब एक पैदा तो ये भी है कि ये इसलिए हमने लिया कि मतलब ये है कि ये न होने का बराबर है, यानी 2 काट के फिर वापस वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो 1/2 m और मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ये जो बराबर होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का यानी मीन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 1 = 3 आ जाएगा और 3 × 3 = 3 और 2 अपनी जगह 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा nRT/n nRT/n। ठीक है, फिर काइनेटिक मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 अपनी जगह आया
एन आर टी अपनी जगह आया, एन आर टी ठीक है। ये जो एन है ना, एन इन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर जो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन कितने एवोगाड्रोस नंबर कितने वो एन है हमें नहीं पता, एन है तो इसलिए मैंने एन 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 ए लिखा है। एन ए का मतलब तो एवोगाड्रो नंबर, लेकिन एन का मतलब ये है कि पता नहीं कि कितने एवोगाड्रो नंबर है, तो इसलिए मैंने एन लिखा है, ठीक है। तो इन से इन जो है कैंसिल हो जाएगा, मीन काइनेटिक एनर्जी अपनी जगह, थ्री अपॉइंट टू अपनी जगह, इन से इन कैंसिल होके आर टी अपनी जगह आ जाएगा और इन्हें अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों के के जो है हमारे पास इज इक्वल टू होता है आर अपॉन इन ए के, आर आर जो है हमारे पास है 8.314, ये पिक्स वैल्यू एक कॉन्स्टेंट है, और इन्हें एवोगाड्रोस नंबर ये भी हमारे पास पिक्स एक कॉन्स्टेंट है, वो हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के बाद के की वैल्यू क्या आती है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10^-23। और ये जो के है ये शो करता है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, ठीक है। ये के क्या शो करता है, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। तो दोस्तों हम लोग अभी ये जो आर अपॉन इन है, इन्हें आर अपॉन इन है, इसकी जगह फिर अभी के लिख सकते हैं ना, कि के जो है वो आर अपॉन इन्हें के बराबर है, तो इसलिए हम लोग इस आर अपॉन इन्हें की जगह के लिख सकते हैं। तो मीन काइनेटिक एनर्जी अपनी जगह आई इज इक्वल टू 3/2 अपनी जगह आया, और जो आर अपॉन इन्हें है ना, आर अपॉन इन्हें इसकी जगह मैंने लिख दिया के, ठीक है। और टी जो है ये टी अपनी जगह टी आ गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 3/2 के, के जो है ये कांस्टेंट है, 3/2 जो है वो भी हमारे पास नंबर है, तो कांस्टेंट आ जाएगा और टी आ जाएगा। दोस्तों अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो, सिर्फ ये दिया हुआ हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी, ये प्रूव करो, तो हम लोग याद अक्सर लिखेंगे, याद अक्सर लिख लेंगे, ठीक है। अगर हमें ये मालूम करना हो, ये वाला मालूम करना हो कि मीन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 3/2 के, ये कांस्टेंट हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है लेकिन 3/2 वैल्यू भी, तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है, और टी अपनी जगह आ जाएगा। अब मीन काइनेटिक एनर्जी फिर कांस्टेंट को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये आ गया। अब अगर हमें मालूम करना हो ये मालूम करना, मतलब 1/2 m मीन्स के वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/2 kt, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इसको खोलेंगे, इसके फार्मूला जो है ना इसको खोलेंगे, इसका फार्मूला जो है वो इसको ओपन करेंगे, 1/2 आ जाएगा और m आ जाएगा और मीन्स के वेलोसिटी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v इसके वेलोसिटी इसकी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर मीन काइनेटिक एनर्जी है तो इसलिए वेलोसिटी भी मीन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये मीन का स्क्वायर आया, मीन आया है, ठीक है, बार आया, बार को मीन कहते हैं, इज इक्वल टू 3/2 kt। तो दोस्तों हमने यहाँ तक इसके जो डिफरेंट जो प्रूव करने थे हमने यहाँ पर प्रूव कर लिए, और हमारा डेरिवेशन यहाँ पर होता है कम्प्लीट। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।